नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज कुछ नया और कुछ नए फॉर्मेट में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें हैं मिनरल्स और विटामिन्स। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हम लोग आज किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स में माइक्रो मिनरल्स, उसमें आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर और कोबाल्ट। और माइक्रो मिनरल्स, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और सोडियम। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की हमें कम ज़रूरत होती है, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट कम ज़रूरत होने के साथ साथ जो हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन होती है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट के द्वारा ही होती है। और जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट के द्वारा ही होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। इसमें होते हैं मिनरल्स और विटामिन इंक्लूड होते हैं। अब मिनरल्स को बात करते हैं। सबसे पहले जो मिनरल्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स और दूसरे होते हैं माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है और माइक्रो जिनकी कम ज़रूरत होती है। चलो सबसे पहले जानते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स हमारी डाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारी बॉडी का 4% बॉडी वेट जो होता है वो मिनरल से ही बना होता है। और मिनरल हमारी बॉडी के लिए, दांतों के लिए, बोन्स के लिए और मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो मिनरल्स का रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में और फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स के लिए और मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि मिनरल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है माइक्रो मिनरल्स और एक किया गया है मैक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और माइक्रो मिनरल्स की हमें कम ज़रूरत होती है। तो मैक्रो मिनरल्स में हमने जो ऐड करे हैं वो करे हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फ़र, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और इन सब का जो पर डे में मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है 0.1 ग्राम की हमें। और उसके बाद हैं हमारे ट्रेस एलिमेंट और माइक्रो मिनरल्स, यानी माइक्रो मिनरल्स जिनकी कम ज़रूरत होती है। उनमें शामिल हैं कॉपर, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम एंड जिंक। इनकी हमें पूरे दिन में ज़रूरत होती है वो होती है 0.01 ग्राम। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो मिनरल्स की। तो चलिए, कैल्शियम सबसे टॉप का मैक्रो मिनरल्स है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारे बोन और दांतों के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे दांतों को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है सिर्फ़ और सिर्फ कैल्शियम। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, जो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग के लिए काम आता है वो भी काम आता है कैल्शियम। बात करते हैं कैल्शियम किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो कैल्शियम पाया जाता है चीज़ में, मिल्क में, ऑरेंज जूस, एग्स और ग्रीन वेजिटेबल्स में। और कैल्शियम की कमी से हमें रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। मींस जैसे आपने सुना होगा बोलेक्स या फिर नॉकनी, तो ये जो बीमारी है वो कैल्शियम से रिलेटेड बीमारी है। और दूसरे नंबर का जो इम्पोर्टेंट मिनरल है वो है पोटेशियम। पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे मस्कुलर सिस्टम को फिट और एक्टिव करने के काम आता है। और पोटेशियम का काम हमारी बॉडी में ब्लड और टिश्यू में वाटर लेवल को मेंटेन करना है। और अब जानते हैं पोटेशियम के सोर्स कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं बनानास, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीनट्स, बीन्स और भी बहुत कुछ।
अब बात करते हैं पोटेशियम की डेफिशिएंसी, यानी पोटेशियम की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला है एड्रेनल फटीग, यानी हमें थकावट, अंदरूनी थकावट हो जाती है। दूसरा है हाइपरटेंशन। तीसरा है मसल्स क्रैम्पिंग, यानी हमें वर्कआउट करने के टाइम पे खिंचाव महसूस होता है हमारे मसल्स में। और वीक बोन्स, बोन्स का कमज़ोर हो जाना, और किडनी स्टोन्स, पथरी का हो जाना, ये है पोटेशियम की डेफिशिएंसी। तीसरे नंबर का जो इम्पोर्टेंट है वो है सोडियम। तो सोडियम जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारे मस्कुलर एक्टिविटी के लिए और हमारी बॉडी के नर्व्स इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन के लिए। यानी हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाता है वो सिर्फ और सिर्फ सोडियम की वजह से। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं टेबल सॉल्ट्स, पिकल्स और बटर। सोडियम की कमी से हमारा CNS प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है और हम सोचने और समझने में, यानी मेंटली प्रेशर जो हमारे ऊपर आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोडियम की कमी से आता है। मैग्नीशियम का काम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वो इसलिए क्योंकि जब हमारी बॉडी में सेल्स डेड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स को, उन डेड सेल्स को हटाकर नए सेल्स को पैदा करने में और उनके मेंटेनेंस में जो काम आता है वो आता है मैग्नीशियम। और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है? वो पाया जाता है मीट, ब्राउन राइस, बीन्स और ग्रेन्स में, और भी बहुत कुछ है। और मैग्नीशियम की कमी से हमको मसल क्रैम्प, मेंटल डिसऑर्डर, मसल्स वीकनेस, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर का है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारे बोन्स और हमारे दांतों को सही तरीके से फॉर्मेशन में लगाने के काम आता है। यानी हमारे दांतों का जो वन बाय वन सीक्वेंस है वो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस की वजह से ही है। और हमारी बॉडी में मसल्स और नर्वस एक्टिविटी को नॉर्मल करने के काम फॉस्फोरस आता है। तो ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है? ये पाया जाता है एग्स, फिश, कॉड लीवर, मिल्क और अनपॉलिश्ड राइस में। और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से जो हमारे दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं और जो हमारे बोन्स का फॉर्मेशन टेढ़ा हो जाता है वो फॉस्फोरस की कमी की वजह से आता है। अब बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स की। तो चलिए देखते हैं माइक्रो मिनरल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। आयोडीन का जो काम होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो ये क्योंकि थायराइड ग्लैंड्स, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उसमें जो थायराइड ग्लैंड्स है जो हमारे गले में पाया जाता है उसके लिए ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। यानी हमारे थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट आयोडीन के द्वारा ही होती है। ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है? ये पाया जाता है आयोडाइज्ड सॉल्ट में, फिश में और सी फूड्स में। आयोडीन की कमी से हमें गोइटर रोग होता है, यानी हमारे थायराइड ग्लैंड यानी गले में सूजन आ जाना, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है घेंगा। सेकेंड नंबर का जो एलिमेंट है वो है आयरन। आयरन का काम है हमारी बॉडी में जो ब्लड है ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करना। और इसकी कमी से हमारी बॉडी में अनीमिया, यानी अनीमिया का मीन्स होता है हिंदी में खून की कमी। हमारी बॉडी में खून की कमी आयरन की वजह से ही हो जाती है अगर हमें सही तरीके से आयरन नहीं मिलता है। तो आयरन किन किन चीज़ों में पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारे लीवर में, मीट में, एग में, ड्राई फ्रूट्स में, बनानास में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। क्रोमियम। क्रोमियम का काम होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन डेवलप करना। ये पाया जाता है सोयाबीन, कैरेट, टोमेटो, ग्राउंड नट्स और बाजरा में। और क्रोमियम की कमी से जो हमें बीमारी होती है वो होती है डायबिटीज़ की। नेक्स्ट नंबर है कॉपर। कॉपर का काम है हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना। इससे पहले हमने आयरन के बारे में पढ़ा था। आयरन का काम होता है वो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है और कॉपर जो है वो आयरन की हेल्प करता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये पाया जाता है एग्स में और ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स में
और पल्सेस में। अब बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट का लास्ट एलिमेंट है। कोबाल्ट हमें अनीमिया से बचाता है, यानी खून की कमी होने से कोबाल्ट हमारी मदद करता है। और ये पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मिल्क में और मीट में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आपको क्वेरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इजाज़त दें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।